माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि है आपकी जो जितने भी प्रमुख सैन्य अभ्यास होते हैं, जो युद्ध होते हैं देशों के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं, कोई सा भी अभ्यास हो, वो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो हमें क्या करना है, जीएस में एक एक क्वेश्चन ही बटोरना है, ठीक है। तभी हमारा स्कोर 20-25 क्वेश्चन पहुंच पाएगा 38 में से, ठीक है। जब हम हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन जो आते हैं, जो 100% स्वेयर है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिक 2024, ठीक है। और 2024 में जितने भी हुए हैं वो मैं सब कराऊंगी, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वही मैं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए डस्टिक 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो बताइए डस्टिक किस किस के बीच हुआ है, भारत और किस देश के बीच हुआ है, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील, श्रीलंका या म्यांमार। तो ये किस किस के बीच हुआ है, ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसका ऑप्शन आंसर ए बिल्कुल ठीक है। अब ये पता है, ये तो पता चल गया ये किस किस के बीच हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो ये कौन सा था, ये पांचवा संस्करण था। कौन सा संस्करण था, पांचवा संस्करण था 2024 में, ठीक है ठीक है। अब ये बताइए एशिया में जो अब कहाँ हुआ है, जो आपका ये कहाँ हुआ है बताइए। अच्छा ये बताइए ये कहाँ हुआ है, उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, ठीक है। और इसका जो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बताइए, ये बताइए, तो ताशकंद। तो क्या राजधानी है इसकी, ताशकंद है, इतना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मालदीव और श्रीलंका, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, कौन सा दोस्ती 16 बताइए, कौन सा भाई दोस्ती 16, दोस्ती 16 अभ्यास कहाँ हुआ है बताइए, मालदीव, युगांडा, नेपाल या फिर अमेरिका। तो कहाँ हुआ है, ये मालदीव में हुआ है। किस किस के बीच, भारत मालदीव और श्रीलंका, तीन लोगों के बीच में हुआ है, भारत मालदीव और श्रीलंका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये अभ्यास कब से कब तक हुआ, तो देखो ये प्रेजेंट टाइम में हुआ है, कब से, 22 से 25 फरवरी, ठीक है, याद रखेंगे 22 से 25 फरवरी। और ये कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था इसका, ठीक है। चलिए इतना भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया बताइए, बताइए कहाँ किया गया, कौन सा वायु शक्ति 2024 कहाँ किया गया, भारतीय सेना जैसलमेर या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय नौसेना। तो कहाँ किया गया है भाई, जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर कवच, कौन सा क्वेश्चन है, फोर सागर कवच, सागर कवच 124 नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है बताइए, कहाँ पर आयोजित किया गया है बताइए, आंसर दीजिए इसका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ किया गया है ये, तो ये किया गया है आपका लक्षद्वीप में, कहाँ किया गया, लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी बिल्कुल आंसर है। देखिए सागर कवच याद रखेंगे, सागर कवच कहाँ किया गया, लक्षद्वीप में, ठीक है। और ये 1-2 अप्रैल 2024 तक, ठीक है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 खंजर किस किस के बीच में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खंजर कई बार पूछा भी गया है। तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, कहाँ पे भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, ये 11वां संयुक्त संस्करण था इसका, ठीक है, याद रहेगा। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत मोजाम्बिक, ठीक है, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास आई एम टी थ्रिलेट यानी TRILET थ्रिलेट 2024 का दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया बताइए, बताइए आंसर दीजिए कहाँ, भारत मोजाम्बिक किस देश के बीच में, तीन देश हैं, तो कौन सा देश हो गया, तंजानिया, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच
ठीक है, IIT त्रिलेर 2024 का संस्करण किया गया, ये सेकेंड था, सेकेंड संस्करण था, ठीक है ना, सेकेंड था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और इसमें कौन कौन से जहाज ने भाई भाग लिया था, देखिए मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन से जहाज ने लिया था, INS तीर और INS सुजाता, INS सुजाता, ठीक है, दो थे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिवसीय कौन सा, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कहाँ हुआ ये, तो ये 1 अप्रैल से पोखरण, ठीक है, पोखरण राजस्थान में ये वहाँ स्टार्ट किया गया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 17,000 फीट ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है, से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया, बताइए कहाँ पे किया, तो ये कहाँ किया, ये सिक्किम में किया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ किया, सिक्किम में किया, 17,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, सिक्किम में किया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस और किन 3 देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, किसने, फिलीपींस और किन 3 देशों ने, तो भाई जाहिर सी बात है जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, तो उपयुक्त सभी ने, ठीक है, उपयुक्त सभी ने, इन 3 देशों ने किया, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस, कौन सा कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया ये, सेसल्स, कहाँ किया गया, सेसल्स में किया गया, ठीक है, कहाँ किया गया, सेसल्स में, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतिये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, लामेतिये 2024 का आयोजन किया गया है, बताइए, तो लामेतिये किस किस के होता है, भारत और सेसल्स के बीच होता है, ठीक है, याद रखना है, भारत और सेसल्स के बीच होता है, ठीक है, 10वें संस्करण पहले ही कह दिया, 10वां संस्करण है, ठीक है, याद रखेंगे 10वां संस्करण पहले ही कह दिया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते करते हैं, लामेतिये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया है, बताइए किस राज्य में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने, ठीक है, फील्ड फायरिंग, त्रिशक्ति कोर फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया, तो किसने किया है, बताइए किसने किया, पश्चिम बंगाल, ठीक है, किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्च 2024 में किन देशों के नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास संयुक्त समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, ठीक है, का आयोजन किया, कौन सा समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया, बताइए, रूस, चीन, ईरान या उपयुक्त सभी, तो किन ने, इन तीनों ने किया, ठीक है, किन देशों ने, तो इन तीनों ने, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, रूस, चीन और ईरान, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति, ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया, लखनऊ, सांची, पोखरण, चांदीपुर, ठीक है, बताइए तो कहाँ किया भाई, पोखरण राजस्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल, ठीक है, पोखरण राजस्थान, काफ़ी होते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है, भारत और किस देश के बीच, बताइए भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया, बताइए, तो किस देश के बीच, भारत और मलेशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये उसका 3रा संस्करण था, ये भी याद रखना है, कौन सा संस्करण था, थर्ड था ठीक है, और विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, कहाँ, विशाखापट्टनम में, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किया गया, बताइए किसमें, बताइए तो कहाँ किया गया, ये नेपाल में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ, नेपाल, याद रखें कहाँ, नेपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये भी इम्पोर्टेंट है, धर्म गार्जियन 2024 का आयोजित किया गया, आयोजन किया गया, भारत और किस देश के बीच, बताइए धर्म गार्जियन किस किस के बीच होता है, भारत और किसके बीच होता है बताइए, तो भारत और जापान के बीच होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको पता ही होगा कि क्या है, ये पांचवा संस्करण था इसका, धर्म गार्जियन का पांचवा संस्करण, ठीक है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, कौन सा डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया, कौन सा डेजर्ट साइक्लोन 2024, तो किस किस के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, संयुक्त अरब अमीरात यूएई है ना, याद रखेंगे यूएई, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइस किसके द्वारा संचालित किया जाता है बताइए, किसके द्वारा संचालित किया जाता है बताइए, आंसर दीजिए भाई, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना या भारतीय तटरक्षक, तो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है याद रखना है, ठीक है। और ये अभ्यास कहाँ हुआ, अरब सागर पे, ठीक है, अरब सागर, कहाँ, अरब सागर, इतना भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 का आयोजन किया गया, इराक, सऊदी अरब, ईरान या अफगानिस्तान, तो किसके बीच, संयुक्त सऊदी अरब, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हुआ क्या था, ये भी याद रखना है, तो ये कहाँ हुआ था, ये अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, कहाँ पे, बीकानेर, ठीक है, कहाँ हुआ था, बीकानेर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद किन दिनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है काजिंद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजिंद, तो ये होता है कजाकिस्तान और भारत, याद रखना है काजिंद कजाकिस्तान और भारत, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 मित्र शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों के बीच होता है, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, भाई ये तो सबको पता होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, बोंगो सागर, ठीक है, बताइए बोंगो सागर किन दो देशों के बीच होता है बताइए, बोंगो सागर किन दो देशों के बीच होते हैं, मलेशिया और जापान, बांग्लादेश और भारत या अमेरिका या इसराइल, बताइए किन दो देशों के बीच होता है, तो किसके बीच होता है बताइए, तो किसके बीच होता है, ये होता है बांग्लादेश और भारत के बीच, किसके बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोप इंडिया, कौन सा कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ बताइए, कौन सा कोप इंडिया बताइए, आंसर दीजिए, कोप इंडिया भारत और मतलब किसके बीच हुआ, तो किस किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय, ये 24 से पहले आ गया था पीछे, संयुक्त गोरिल्ला सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति, कौन सा हरी माऊ शक्ति 2023, ठीक है, किन दो देशों के बीच आयोजित किया है बताइए, किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, आंसर दीजिए इसका, जर्मनी, आर्मेनिया, फिनलैंड, यूक्रेन, भारत, मलेशिया या फिर ईरान, पाकिस्तान, बताइए, संयुक्त गुरिल्ला सैन्य अभ्यास हरिमाओ शक्ति किन दो देशों के बीच हुआ बताइए, आंसर दीजिए इसका,
किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और मलेशिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, भारत और मलेशिया, याद रहेगा भारत और मलेशिया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट है ना, एलिफेंट 2023, नोमेडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो किन दो देशों के बीच हुआ, भारत और मंगोलिया, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, ये 15वां संस्करण था, ठीक है, ये भी याद रखना है, 15वां संस्करण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया गया है? कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच हुआ है? ये भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर, ठीक है, याद रखेंगे भारत और सिंगापुर, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित? तो सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है, सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिन्यू मैत्री अभ्यास, कौन सा सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित होता है? तो सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है वो भारत और जापान की सेना के बीच आयोजित होता है, याद रखना है, ठीक है, कहाँ होता है? भारत और जापान की सेना के बीच, ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुण भारत और किस देश की वायुसेना के बीच होता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गरुण, ठीक है, कौन सा गरुण किस किस के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच, इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है, दोनों के बीच में होता है गरुण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियम 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और मालदीव, श्रीलंका और भारत, मालदीव और चीन, या फिर भारत और नेपाल? तो किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और मालदीव, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत और मालदीव, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? बताइए, नौसैनिक अभ्यास मालाबार बहुपक्षीय, कौन सा महावार, ठीक है, मालाबार बहुपक्षीय, बताइए कौन सा मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, बताइए। तो ये किनके बीच हुआ है? तो ये भारत, अमेरिका, जापान, ये उपयुक्त सभी तीनों के बीच हुआ है, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए और क्या है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायंफ, ठीक है, कौन सा भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रायंफ, ठीक है, 24 का आयोजन किया गया? बताइए, आंसर दीजिए। तो ये किस किस के बीच किया गया? ये किया गया भारत और अमेरिका के बीच, कहाँ किया गया? भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ युद्ध अभ्यास जो आपके एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बार बार पूछे जाते हैं और एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेगा, ठीक है। 10 शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग देख लेंगे, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत कम समय बचा है, बहुत ही जल्द आप लोग के एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं, तो जब आपके एडमिट कार्ड या सिटी पता चलने लग जाएगा तो उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहिए।